गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज आप देख रहे हैं कि एस्टेट का आंसर शीट जो है जारी किया गया है। अब बहुत ऐसे आंसर शीट हैं जिसमें बहुत सारे त्रुटि हैं और बहुत ही हल्के हल्के सवाल जो हैं इसके आंसर जो गलत दे दिया गया है, जिससे सारे जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं बहुत भ्रमित हैं और बहुत चिंताजनक हैं। इस तरह के आंसर की से हमारे पूरे बिहार का जो है ये बदनामी हो रही है और इसका पुनः एक बार चर्चा का विषय बन गया है बीएसईबी बोर्ड की। इस तरह से घटिया जो है आंसर की जारी कर करके पूरे तरह से जो है मजाक का माहौल बना दिया है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि आंसर की गलत हुआ है। अब सरकार इतना सारा जगह बदनामी हो चुकी है तो अब इसके बाद जो है इसका आंसर की जो है ये वापस लिया गया है और इसको जो है ये सलाह दिया गया है कि वापस लेकर के फिर जारी किया जाएगा और वेबसाइट पर बने रहिए। अब आप ही बताइए कि आंसर शीट गलत हो गया या आपने गलत जारी कर दिया तो वहाँ जो बैठे हुए हैं अधिकारी हैं क्या उनको अब तक नहीं पता चला है? जब ये 12 घंटा 18 घंटा तक चल रहा है आंसर शीट, तब तक नींद नहीं खुली है? जब इसने जो है मीडिया में पूरा उछाल हुआ तब ये जा करके जो है अपनी वापस लिए हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो भी जो है 2023 में जो 40 विषय का पेपर हुआ उसमें जो है सो उत्तर कुंजी जो वेबसाइट पर लोड हुआ उसमें उत्तर कुंजी में आपत्ति जो दर्ज की गई तो बहुत जो है इसमें गलत पाया गया। आपत्ति दर्ज होने से जो है सरकार की बदनामी होने लगी, इसलिए कि छोटे सवाल जो है बहुत गलत रहते थे, बहुत ही गलत जो है उसका आंसर की दे दिया गया। तो हम बात कर रहे हैं कि साइंस का जो 111 कोड है, साइंस पेपर की जो 111 कोड है उसकी उत्तर कुंजी जो है आंसर की है उसको वापस ले लिया है ये वेबसाइट ने, ये हमारे बोर्ड ने, और वापस लेकर के इसकी जो है आंसर की पुनः जो है इसको जो है वो जारी करेगा। आप वेबसाइट पर बने रहिए और इस तरह से जो है हमारी सरकार, हमारी जो है इस कमेटी है जो बीएसबी, इसको संज्ञान में लेते हुए उस पर जो कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन क्या होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन आप जो है ये बहुत ही